हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। अभी तक हमने जो बिजनेस में पढ़ा था उससे आगे हम आपकी क्लास लेके चल रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसीजर ऑफ सेंडिंग गुड्स बाय रेलवे, मतलब वस्तुओं का रेलवे द्वारा भेजा जाना। मतलब जब हम माल भेजते हैं तो कभी कभी रोडवेज, कभी कभी रेलवेज, कभी कभी एयरवेज, कभी कभी वाटरवेज और बहुत से तरीके होते हैं सामान भेजने के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब माल किसके द्वारा भेजा जाए, रेलवे के द्वारा भेजा जाए, तो कौन कौन से इनको प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। पहला, सर्टेनिटी ऑफ ट्रेन। मतलब क्या है कि हम ट्रेन डिसाइड करें कि कौन सी ट्रेन से माल भेजना है। अब वो पैसेंजर ट्रेन भी हो सकती है, मतलब जिसको सवारी गाड़ी बोलते हैं। दूसरा, गुड्स कैरेज भी हो सकती है, जिसको हम मालगाड़ी बोलते हैं। अगर हमने डिसाइड किया पैसेंजर ट्रेन, तो हमको थोड़ा सा चार्ज ज्यादा देना होता है, पर जल्दी पहुंच जाती। मतलब अगर हमको माल जल्दी भेजवाना है, बहुत अर्जेंसी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम कौन सी ट्रेन चुनेंगे, पैसेंजर ट्रेन, जिसमें सवारियां जाती हैं, वो जल्दी पहुंचाएगी माल। अच्छा, मालगाड़ी, मालगाड़ी के केस में क्या है, मालगाड़ी आपके हिसाब से नहीं चलती, वो जब भी जिस हिसाब से रेलवे वाले चाहेंगे उस हिसाब से माल को भेजेंगे। कुछ एक हफ्ता 15 दिन का टाइम डिसाइड होता है, उसके अंदर में ही भेजते हैं। बट यहाँ एक दो दिन में काम हो जाएगा, और जब मालगाड़ी से सामान भेजेंगे तो 10-15 दिन भी लग सकते हैं। अच्छा, ये डिसाइड होने के बाद कि हम माल किससे भेजेंगे, कौन सी ट्रेन से भेजेंगे, उसके बाद तुरंत वहीं पे हम बनाते इनवॉइस। हमने माल भेजना है, हमने तय कर लिया कि रेलवे से माल भेजना है। अब कौन सी रेलवे से, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो, सवारी गाड़ी हो, या फिर मालगाड़ी हो। जैसे ही हमने ये डिसाइड किया, उसके बाद हम अपने सामान की बिल बना देते हैं, और बिल बनाने के बाद सामान को कहां लेके जाते हैं, ब्रिंग गुड्स टू द स्टेशन। हम सामान को कहां लेके पहुंचते हैं, स्टेशन पर। तीसरी बात, फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म। फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, जब हम माल रेलवे स्टेशन लेके पहुंचते हैं तो हमको एक फॉर्म भरना होता है। अब दो बातों पे डिसाइड करता है कि वो पैसेंजर ट्रेन से, अगर वो सवारी गाड़ी से जा रहा है तो हमको भरना पड़ेगा फॉरवर्डिंग नोट। फॉरवर्डिंग नोट, अगर वो मालगाड़ी से जा रहा है तो हमको भरना पड़ेगा कंसाइनमेंट नोट। अच्छा, जब हम स्टेशन पहुंचे माल लेके, तो हमको फॉर्म मिला कौन सा, अगर हम सवारी गाड़ी से भेजने वाले हैं तो फॉरवर्डिंग नोट मिलेगा, अगर हम मालगाड़ी से भेजने वाले हैं तो कंसाइनमेंट नोट मिलेगा, इसको भरना होता है। उसके बाद हम सामान को पैक कराते हैं, रेलवे वाले क्या करते हैं, सामान को अच्छे से दूसरी तरह से पैक करते हैं, जिसमें साइन भी लगाया जाता है, कुछ सिंबल लगाया जाता है, अगर कोई टूटने फूटने वाली वस्तु है तो उसमें लिख दिया जाता है टूटने फूटने वाली वस्तु, या फिर इतना वर्ड लिख दिया जाता है थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अब उसके बाद फिलिंग द रिस्क नोट। रिस्क नोट मतलब क्या है कि भैया रिस्क कौन बियर करेगा, रेलवे बियर कर, हम तो सामान भेजने आए हैं, से सामान भेजना है तो हमने पहुंचा दिया। अब रेलवे के पास सामान पड़ा होगा, मैंने उसको फोन किया, भैया आप बताइए रिस्क बियरिंग, ये जो फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखना होता है कि किसकी जिम्मेदारी पर माल जा रहा है, जो खरीद रहा है उसकी जिम्मेदारी पर, या जो बेच रहा है उसकी जिम्मेदारी पर, या रेलवे आपकी जिम्मेदारी पर, क्योंकि माल आप लेके जा रहे हैं तो उसमें क्लियरली मेंशन करना होता है कि किसके रिस्क पर जा रहा है, उसी हिसाब से चार्ज डिसाइड होता है। अब उसके बाद जब चार्ज डिसाइड हो गया कि कितना भाड़ा लगेगा, तो पेमेंट ऑफ फ्रेट, मतलब रेल भाड़ा, हमको रेल भाड़ा देना पड़ेगा। फ्रेट मतलब होता है भाड़ा, रेलवे फ्रेट, पेमेंट ऑफ रेलवे
फ्रेट, उसके बाद हमको उतना भाड़ा पे करना पड़ता है। तीसरी बात, अच्छा अगली बात, डिलीवर गुड्स टू रेल ऑफिस, भाड़ा देने के बाद हम सामान को क्या करते हैं, वहीं पर छोड़ देते हैं। वहीं पर छोड़ने का मतलब क्या है कि भैया एक पेपर दे दीजिए सबूत के तौर पर कि हाँ हमने माल यहाँ पर छोड़ा था। तो रेलवे ऑफिस से हमको क्या भरना होता है, एक बिल्टी भरनी होती है, बिल्टी की तीन कॉपियां बनती है, एक कॉपी रह जाती है रेलवे ऑफिस में, एक कॉपी जाती है ट्रेन के साथ, और एक कॉपी हमको दे दी जाती है जिसने माल लदवाया था, जिसमें माल लदवाया था हमको मिल गई ये कॉपी। अब बताइए ये कॉपी हम किसको भेज देंगे, जो वहां रिसीव करने वाला होगा, जो वहां पे माल रिसीव करेगा ये कॉपी हम उसको भेज देंगे ताकि वो आसानी से वहां पर माल रिसीव कर सके। अच्छा यहां तक की तो बात हो गई। अब दो तीन कंडीशन है रेलवे रिसिप्ट के बारे में कि अगर रेलवे रिसिप्ट गुम हो जाए तो, रेलवे रिसिप्ट गुम हो जाए तो, चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए फिर वो भी बात बताते हैं आप वीडियो पॉज करके। ओके आइडेंटिटी क्षतिपूरक बोलते हैं इसको, क्षतिपूरक बॉन्ड हमको भरना होता है जिससे हमको एक दूसरी कॉपी फिर बना के वो मिल जाती है, फिर उसके बाद हम माल रिसीव कर सकते हैं। अच्छा एक और केस है, कभी कभी रेलवे रिसिप्ट को हम इंडोर्स कर देते हैं। इंडोर्स करने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लेते हैं एक व्यापारी है अरुण नाम, उसने अपने होलसेलर से माल मंगवाया, ये रिटेलर है। इसने जब होलसेलर से माल मंगवाया और ये सामान भेज रहा है, अभी ट्रेन में पड़ा हुआ है सामान, रास्ते में है, तभी अरुण को एक ऑर्डर आ गया। मान लो इसने मंगाया था 1000 पीसेस किसी भी चीज की, 1000 पीस मंगवाया था और इसको डायरेक्ट ऑर्डर आ गया कि भैया 1000 पीस हमको दे दीजिए। वरुण एक आदमी था जिसने अरुण को ऑर्डर दिया कि भैया हमको माल बेच दीजिए 1000 पीसेस। अब ये क्या करेगा कि भैया हम जाएंगे रेलवे स्टेशन, माल उठाकर फिर वरुण को पहुंचवाएं, ये सब करने से अच्छा है जो हमको इनवॉइस आई थी ना, ये इनवॉइस और बिल्टी, ये दो चीजें हमारे पास जो आई थी, हम इसमें से ये बिल्टी इसको इंडोर्स कर देती, हम इसको दे देते हैं। वरुण इसको पैसा दे दिया, इसने बिल्टी इसको दे दिया, इसने इसके नाम से पहचान कर दिया। अब वरुण डायरेक्ट ही स्टेशन जाकर ये माल उठा सकता है, बिल्कुल उठा सकता है। क्लियर? तो कभी कभी जब रेलवे रिसिप्ट गायब हो जाए तो हमको एक आइडेंटिटी बॉन्ड भरना पड़ता है जिससे हमको एक और कॉपी मिल जाती है। दूसरा, जब हम पहचान करना चाहें, इंडोर्स करना चाहें अपनी रेलवे बिल्टी को, तो हम इंडोर्स भी कर सकते हैं ताकि हम भैया जाते स्टेशन खरीद के लाते फिर ले जाकर वरुण को बेचते, उससे अच्छा है हमने बिल्टी ही वरुण को दे दी ताकि वो जाके डायरेक्ट ही स्टेशन से उठा ले और हमको पेमेंट दे दे, ताकि हम उसको पेमेंट दे दे। ठीक है? अब जैसे इसने स्टेशन पे माल लगवाया था यहां तक भेजने के लिए, कहां तक,
अरुण तक भेजने के लिए जैसे ही माल लदवाया तो उसने इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मिंग लेटर बोलते हैं उसको, जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है किस बात की कि भैया हमने अरुण साहब, ये होलसेलर कह रहा है अरुण साहब मैंने आपका माल भिजवा दिया है जो कि 3 दिन बाद आपके पास पहुंच जाएगा, जो कि 3 दिन बाद आपके पास पहुंच जाएगा। अब बताइए अरुण की जिम्मेदारी होती है या नहीं कि माल उठवा लिया जाए? तो भैया उसका अगला पॉइंट है, जब जब हमने माल भिजवा दिया उसके बाद इंफॉर्मेशन भेजी जाती है कि हाँ हमने माल आपको भिजवा दिया है। अब इंफॉर्मेशन भेजने के बाद रिसीव द गुड्स, भैया किसकी, बायर जिसने खरीदा है माल उसकी जिम्मेदारी है कि वो स्टेशन तक जाए और अपना माल चेक कर ले। दूसरा रिसीव कर लिया, उसके बाद अगर कोई शिकायत है, कोई शिकायत है मतलब उसने अपने माल को चेक किया, अगर कोई दिक्कत आती है इस माल में तो वो कंप्लेन लेटर लिख सकता है, कंप्लेन लेटर लिख सकता है कि भैया होलसेलर साहब आपने जो माल हमने मांगा था वो आपने नहीं भेजा, कुछ और भेज दिया। अगर उसने सही सही माल भेजा है तो उसको पेमेंट मिल जानी चाहिए, उसको पेमेंट मिल जानी चाहिए, तो अरुण साहब उसको पेमेंट देंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो एक कंप्लेन लेटर डालेंगे और वो माल वापस करना होगा तो वापस जाएगा और जो भी करना होगा उसको किया जाएगा। अगर गुड्स ठीक रहे तो पेमेंट हो जाएगी। अच्छा, पेमेंट जब अरुण साहब ने होलसेलर को दिया, होलसेलर को जब पेमेंट रिसीव हो जाएगी तो उसको बताना पड़ेगा कि हाँ हमने पेमेंट रिसीव कर ली है। इस वक्त भी एक इंफॉर्मिंग लेटर लिखा जाता है, इंफॉर्मिंग अबाउट रिसीप्ट ऑफ पेमेंट कि हाँ भैया हमने आपकी पेमेंट रिसीव कर ली है। अगर कोई दिक्कत होती गुड्स में तो पेमेंट नहीं करता, अगर गुड्स ठीक निकले हमारे, हमने चेक किया सब कुछ जो हमने मांगा था वही है तो वो पेमेंट दे देंगे और पेमेंट मिलने के बाद उसको वो हमको बता देगा हाँ भैया हमको पेमेंट मिल गई है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर बिजनेस होम ट्रेड का, चैप्टर नंबर 1 होम ट्रेड में। बाकी बच्चे 2 चैप्टर जो कि हमारी अगली वीडियो से फिर स्टार्ट होंगे और अभी आप लोग नोट्स बनाएंगे, जितना भी मैंने कराया है उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से जो भी समझ में आता है उसको लिखा करिए, लिखने के बाद उसको एक बार पढ़िए, कुछ कमी बेसी रहे तो हमको क्वेरी पूछ सकते हैं, अगर क्वेरी पूछना हो तो इस नंबर पे भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अगर चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।